अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कश्मीर फिश प्रो। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं इस टाइम खड़ा हूँ निशाद बाग के बाहर डल के पास। आप देखिए डल का व्यू कितना खूबसूरत है, बारिश के मौसम में कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी किश्तियाँ इस टाइम बैठी है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। आप व्यू देखिए, अपना निशाद गार्डन है। हम आपको निशाद गार्डन का व्यू, अंदर के नज़ारे, फिजाएँ दिखाएंगे कैसा है, और बाहर के मार्केट का भी दर्शन कराएंगे। इन निशाद गार्डन से ही पानी यहाँ से निकलता है सड़क के नीचे से और सीधे डल में। ये हमारा श्रीनगर है, जन्नत कश्मीर। बारिश बहुत हो रही है। एंट्री हमने की निशाद गार्डन में, ये स्टार्टिंग का ही व्यू है। स्टार्टिंग व्यू देखिए आप, बारिश तो बहुत हो रही है। वेलकम टू निशाद गार्डन। यहाँ से आप सारा व्यू देखिए। ये देखिए इधर से उधर का व्यू। यहाँ पे आप भी आइए, बहुत फेमस पार्क है ये। मुगल गार्डन का पहला हिस्सा निशाद शालीमार फर्म, निशाद सबसे पहले पड़ता है। ये गार्डन बहुत खूबसूरत है, और यहाँ से सीधे आप देखिए वो चार चिनारी और डल। इस पार्क की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने डल है। इस डल से इस गार्डन की खूबसूरती ना बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, सबसे बढ़िया। वैसे तो हमारा कश्मीर तो जन्नत कश्मीर है, ये फाउंटेन्स, पानी का झरना, सब कुछ बेस्ट। ये वीडियो सारे आपको हमारे चैनल कश्मीर फिश प्रो चैनल पे मिलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। ये हम दिखा रहे हैं आपको रेनी सीज़न अप्रैल। अप्रैल तो वैसे बारिशों का सीज़न होता है, तो सबसे बेस्ट जगह फैमिलीज़ के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये पानी का झरना है, बहुत खूबसूरत, बहुत गर्म पानी है ये। वैसे भी बारिश बहुत हो रही है, तो यहाँ पे पानी से लगता होगा आपको वीडियो में ये बहुत ठंडा है, मगर बहुत गर्म पानी है। चलिए ऊपर की तरफ, यहाँ से हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे निषाद गार्डन में ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस जो है, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ड्रेस कश्मीर में है पहन, और वहाँ से आपको मिलेंगे उस जगह से। ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ पे, ऐसे भी अप्रैल तो होता है गर्मियों का मौसम होता है, मगर ये बारिश में इतनी ठंड नहीं है, ठंड टोटली कुछ भी नहीं है, मगर बारिश की वजह से सारा भीग गया मैं। यहाँ पे इस टाइम टूरिस्ट भी आते हैं बहुत, अगले महीने से मई जून से तो बहुत यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत रश होता है। यहाँ पे आपको बाहर टिकट मिलेगी 24 रुपीज़ की। ये यहाँ पे दूसरा झरना यहाँ पे भी है, और अभी और ऊपर है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, सबसे बड़ा गार्डन है ये। और सबसे बड़ी बात, ये पानी बहुत साफ है, ऊपर पहाड़ों से आता है, सबसे अच्छा है, इसकी खासियत है ये पानी पी भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है ड्रिंकिंग वाटर, ये पी भी सकते हैं, बहुत साफ है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा पानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। बारिश की वजह से बहुत वीक है, इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे पानी के झरने, और ये सारा गार्डन मैंने आपको दिखाया, अब मैं जाऊँगा वापस नीचे की तरफ, आपको अब उधर से व्यू पॉइंट दिखाऊँगा मैं डल का। आज मैं आया था निषाद गार्डन, जो मुग़ल गार्डन का सबसे पहला हिस्सा है, और इस गार्डन की खूबसूरती बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे फ्रंट लुक इसका डल है, इसकी वजह से इस गार्डन में चार चांद लग जाते हैं, और ये जो पानी है फाउंटेन्स में जा रहा है, ये सबसे साफ है, आप पी भी सकते हो, घर भी ले जा सकते हो, टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पर लाइक करते आना। अब हम जाएंगे वापस नीचे और मार्केट की तरफ, मार्केट का व्यू भी दिखाएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है, इतनी भूख लगी है, पहले मैं चाय पीता हूँ, आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से व्यू देखिए, ये सारा व्यू पूरा डल लेक यहाँ से नज़र आता है, Thank you.
अगर बदल दे तो वो होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आए थे आज निषाद गार्डन, निषाद का व्यू, यहाँ की फिजाएं और डल, सबसे बेस्ट डल, डल का व्यू भी दिखाया मैंने आपको। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।